पिछले 1 घंटे से इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली हुई है और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 150 लाइक तो आ ही जाएंगे, लेकिन अब तक सिर्फ 25 लाइक आए हुए हैं। बेताबी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। जब तक ये 150 का जो टारगेट मैंने किया हुआ है, अगर तब तक वो टारगेट कवर नहीं होता, इसी तरह बेताबी बेचैनी होती रहेगी। 3 दिन लगातार, 3 दिन मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, ठीक है, और फिर मैंने उसको एडिट किया है। पूरा 1 दिन लगा, क्योंकि एडिटिंग मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने कोशिश की। मैंने फिर पोस्ट की वो वीडियो, व्यूज ही नहीं आ रहे, लोग अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे। यार कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? लोगों को क्या वीडियो अच्छी नहीं लगी? वजह क्या है यार? टेंशन हो रही है यार। ओके फाइन, कल एक फॉलोअर ने मुझे कहा था कि मैंने ब्लू जैकेट नहीं पहनना, क्योंकि ब्लू जैकेट बिल्कुल सूट नहीं करता, तो आज मैं येलो पहन के आया हूँ। बट ब्लू मेरा फेवरेट है। बट यार फॉलोअर्स को नहीं पसंद ना, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यार बट यूजर ने 1234 ने कहा है कि उसको ब्लू जैकेट पसंद है। क्या करूं, टेंशन हो रही है यार। ये फॉलोअर्स को हैंडल करना ना बहुत मुश्किल है। अब एक को एक चीज पसंद है, दूसरे को दूसरी चीज पसंद है, और मुझे तो कुछ और ही पसंद है, वो तो मैं भूल ही गया हूं। दैट्स इम्पॉसिबल। टेंशन हो रही है, सैड हो जाऊंगा, डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। सो छोटी सी ड्रामे भाई से पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स से। देखो पहले से ट्रॉलिंग वाले जो कमेंट्स है जो कि आने वाले, मैं बता देता हूँ कि भाई तू तो वीडियोस बनाता है, तू तो इंस्टाग्राम पे आता रहता है, तू ये टॉपिक क्यों बात तू तू इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा है। देखो रियलिटी इज रियलिटी, हम रियलिटी से भाग नहीं सकते, ठीक है। जहां पे सोशल मीडिया, वेदर इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, जो कुछ भी हो, जिनके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी लाइफ में बहुत ला रहा है। उस नेगेटिविटी को फिगर आउट करना, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जो कि पता सबको है, भूलता कोई नहीं है। तो नंबर 1, हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये जो चीजें थी, ये एप्स थी, ये हमारी तो एंटरटेनमेंट के लिए थी। अब हम भूल गए हैं कि ये एंटरटेनमेंट से ज्यादा डिप्रेसिंग बनती जा रही है, बिकॉज हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। काफी तर मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों की बात करूंगा, काफी तर दोस्त हैं वो इसी टेंशन में रहते हैं कि वो अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे। अबे भाई फॉलोअर्स हैं, हल्के हो जा, ठीक है। कल को एक फॉलोअर्स कुछ और कहेगा, कोई एक कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा, इस कुछ और में हम अपनी आइडेंटिटी भूलते जा रहे हैं कि हम कौन है। मैं वो कर रहा हूं जो मेरे फॉलोअर्स मुझसे चाह रहे हैं। ओके, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर फॉलोअर्स। अगर तुम्हारे 1000 फॉलोअर्स हैं, तो तुम उस 1000 के 1000 फॉलोअर्स को खुश नहीं कर सकते, ठीक है। 10 खुश होंगे, 5 नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। ये नेगेटिव वाइब्स को आपको दूर करना है, कैसे होगा बताता हूं। नंबर 2, आपको किसी ने नहीं कहा कि वीडियो डालो, आपको किसी ने नहीं कहा कि पोस्ट करो, आपको किसी ने नहीं कहा कि डेली स्टोरीज डालो। हाँ, आपने खुद ही सोच लिया कि अगर तो मेरे 50 फॉलोअर्स रोज देख रहे हैं, सो दे आर एक्सपेक्टिंग, वेल एंड गुड, ऐसा होता है। लेकिन डूड भूलो मत, जब आपने स्टार्ट किया था, यू स्टार्टेड फॉर योर सेल्फ विद अ 0 फॉलोअर्स। सो स्टार्टिंग का मकसद ये था कि मैं खुद खुशी फील करूं, मैं एक्सप्रेसिव बनूं, ठीक है। वो खुशी, वो एक्सप्रेसिव अप डाउन जा रही है। सैड क्यों? एक्सपेक्टेशन की वजह से। यार जो तुम कुछ कर रहे हो वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर लो, मेहरबानी करके एक्सपेक्टेशन ना लगाओ। करना तो है, मैंने भी करना है, स्टोरीज मैंने भी डालनी है, पोस्ट मैंने भी डालना है, लेकिन सोचने का अंदाज मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स, यहाँ पे फिट होता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो। अगर आपने एक वीडियो में बहुत सारी मेहनत की है, एडिट किया है, बेशक 1 हफ्ता लगा दिया है, आपको आपके फॉलोअर्स ने नहीं कहा था कि 1 हफ्ता लगाओ, ये आपका इनसाइड है। आप कह रहे हो कि हाँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने इतनी को मेहनत की है तो मुझे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बट ये ना बोलो, यू डिड फॉर योर सेल्फ। उस वीडियो बनाने में, एडिट करने में कुछ सीखा तुमने, वो पॉजिटिविटी लो। अनदर थिंग, अपने आप को ना बोलो यार, तुम कौन हो,
तुम्हें येलो पसंद है या तुम्हें ब्लू पसंद है या तुम्हें ब्लैक जैकेट पसंद है, तुम अपनी वीडियो में बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो या तुम्हें स्टैटिक पसंद है, तुम बोरिंग साउंड कर रहे हो या तुम इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हो। मैंने स्टार्ट किया था मे बी फूड ब्लॉगिंग से या ट्रैवल ब्लॉगिंग से या व्लॉगिंग से व्हाटसो एवर, और मैं शायद भूल रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट किस लिए किया था। जब मैं फूड की स्टोरीज डालता था मुझे खुशी होती थी, लेकिन वो फूड से यार इतने नेगेटिव कमेंट्स, तो मैंने अपना कंटेंट चेंज कर लिया। ओ भाई, जो कंटेंट में तुम्हें खुशी मिलती है वही कंटेंट डालो, खुशी मिलेगी। मतलब समझ रहे हो ना, मैं क्या दिल से निकल रहा है। मतलब यार जिसमें खुशी फील कर रहे हो, व्हाटसोएवर द कंटेंट इज, जिसमें जिस कंटेंट में तुम्हें खुशी मिल रही है, गेमिंग्स की वीडियो डालनी है गेमिंग्स की वीडियो डालो, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट तुम्हें चाहिए वही कंटेंट डालो ताकि तुम सेटिस्फाई फील करो, तुम्हें खुशी फील हो, ना ही जबरदस्ती वाला कंटेंट डालो और अपना सर खपाओ। यू वांट टू चेंज योरसेल्फ फॉर द फॉलोअर्स, सोचो इस बात को। एंड तमाम फॉलोअर्स इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी तो ऑब्वियसली काफी को फॉलो करता हूँ, पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छाइयां अच्छे कमेंट्स करो, क्यों इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो। वंस अगेन एक बात बताना बहुत जरूरी है, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग ऑल द फॉलोअर्स, ठीक है, सब जान है हमारी, ठीक है। सो अगर तो मैं वीडियो डालूंगा तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ लोग देखें, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि ओके फाइन, एज अ यूजर मैं अपने दिमाग पे हावी ना कर दूं चीजों को, ठीक है। अब मैं सुबह उठ रहा हूँ, बहुत ही बेताब हूँ, जब तक मैं स्टोरी नहीं डालूंगा मेरी सुबह नहीं होगी, व्हाट द हेल मैन, ठीक है। इट सीम्स लाइक सोशल मीडिया तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तुम सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम इंस्टाग्राम तुम यूट्यूब तुम फेसबुक को नहीं चला रहे हो, ये एप्स तुम लोगों को चला रही है, उसको उल्टा करना है, तुम्हें उन्हें चलाना है। जब टाइम हो चलाओ, इट्स अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, स्टोरीज देख लो, स्टोरीज डाल दो, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। बहुत भाषण नहीं देता क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे भी ये वीडियो पोस्ट करनी है और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डालूंगा। द थिंग इज, अपने माइंड को कंट्रोल में करो, अगर तो तुम्हें सही से यूज करना है, और अगर तुम्हें डिप्रेशन सैडनेस और नेगेटिव वाइब से बचना है, ठीक है। सोच मिलते हैं अनदर टॉपिक में सम अदर डे। यूट्यूब का नाम है सेंचेट, इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अगर तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बात वही आ जाती है। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना और आसपास के लोगों का ख्याल करो और डिप्रेशन से दूर रहो, अगर तो हो भी तो किसी से बात करो, वो किसी तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं, तुम्हारा बेस्ट बडी होगा, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे और तुम्हारे क्लोज रिलेटिव होंगे, सोचो दिमाग से। ओके, टेक केयर।